नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। बच्चों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आई है और वो है एसएससी की तरफ से। केंद्र जैसा बोला है कि 10 लाख वैकेंसी और उस पर एकदम उस ब्लूप्रिंट पे काम कर रहा है। एक तरफ एसएससी की इतनी ज़्यादा वैकेंसी 21,000 ऑफिशियल, बाकी जितनी बढ़ सकती है सीजीएल की बात करें। इधर जीडी में देखा जाए तो 24,000 समथिंग वैकेंसी का नोटिफिकेशन उसने जारी कर दिया है और अब समय आ गया है कि एकदम सारी चीजें छोड़ के, यही मैं आपको कल भी बता रहा था, उस दिन भी आपको वीडियो में बताया था कि ये वक्त ऐसा है कि बाकी सारी चीजों से दिमाग हटा के केंद्र की वैकेंसीज की तरफ दिमाग लगा लिया जाए। और सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी में, मैं एक ओवर थोड़ी बता देता हूं कि एज रिलैक्सेशन बहुत अच्छा दे दिया है, पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा बहुत, और तीसरी बात यह हो गया है कि पेपर आपकी जनवरी में है तो समय बहुत कम है। इस पूरी वीडियो का जो थीम है जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये सारी जानकारी आपको आज इसे एकत्रित करनी है, प्लस इसकी तैयारी निशुल्क कैसे करनी है उसकी भी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी जस्ट आधे घंटे पहले मुश्किल से नोटिफिकेशन आया है एसएससी की वेबसाइट पर। एसएससी रात में ही करता है क्योंकि उसका फॉर्म फिलिंग रात में ही शुरुआत होता है। 27/10/2022 से 30/11/2022 तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है और 30/11/2022 के रात के 11 बजे तक ये क्या रहेगा, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अंतिम जो तारीख है इसका, जो एग्जामिनेशन जो डेट है वो जनवरी 2023 दिया है। 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक एसएससी सीजीएल की होगा और उसके बाद उसी बीच में वो एसएससी आईएमडी का करवाएगा, उसके बाद आपका किसका करवाएगा, ये आपका जेडी का करवाएगा। तो ये बैक टू बैक दिसंबर से लेकर जनवरी में तीनों पेपर करवाने का एसएससी सोचा है। समय तीनों ही वैकेंसीज में बहुत कम है, चाहे आप जेडी की बात करो, चाहे आप सीजीएल की बात करो, चाहे आप एसएससी आईएमडी की बात करो, समय बहुत कम है, इस बात को समझना। और बहुत कम समय में इनका कुछ अलग प्ले भी है जो मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि वैकेंसी 24,369 है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज आप अगर देखोगे तो ये बीएसएफ के सेक्शन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, 10,497। उसके बाद अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ की दूसरे नंबर पे 8,911, मतलब इन दोनों को ही मिला लिया जाए तो 19-20,000 वैकेंसीज टोटल 24,000 में ये दे रहा है। बाकी 4,000 में बाकी सारे हैं जिसमें से आईटीबीपी हो गया और असम राइफल्स हो गया। इनमें क्या हो गए हैं, इनमें 1600 वैकेंसीज हैं लगभग, थोड़ा ज्यादा है। और उसके बाद एसएसबी में देखा जाए तो 1284 है। ओवरऑल 24,205 पद बहुत है, हालांकि पिछली बार 25,000 थे तो हम उसे कम, तो कम थोड़ा सा फिगर में हाई है, बट अगर हम अप्रोक्स की बात करें तो कम नहीं है। 24,000 ये 25,000 वो, 7-800 वैकेंसी, इतने बड़े वैकेंसी में 7-800 पद बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। वैकेंसी पिछली बार की तरह ही है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड के कारण जो बच्चों का नुकसान हुआ है उसके कारण से 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है इन्होंने। इस बार पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया है जिसमें से एनसीबी को ऐड करके 164 पद इसका ऐड किए हैं, टोटल 24,369 हुआ है। पार्ट ए में 24,205, इसमें 24,369 टोटल मिला के दिया गया है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें, इसमें जो मेजर चेंजेस है वो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो इसके 18 से 23 साल होता है जिसमें ये बोलता है कि 2/1/2000 पहले और 1/1/2005 के बाद नहीं पैदा होने चाहिए। अच्छी बात है यहां पे 2 जनवरी से लेता है, 2/1 डेट यहां पे लेता है और फाइनल डेट 1/1 लेता है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि कोविड के दरमियान, इसमें नोट आप पढ़ोगे तो, ड्यू टू अनप्रेसिडेंट कोविड पैंडेमिक इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड रिस्पेक्टिव प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट्स एज वन टाइम मेजर फॉर दिस रिक्रूटमेंट। एक बार इस वैकेंसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब आपका जो एज रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 3 साल का फ्लैट छूट जो है बोल सकते हो कि उम्र में, वो सारे बच्चों को, वो चाहे अनरिजर्व कैटेगरी का हो, वो चाहे एससी हो, ओबीसी हो, या फिर एसटी हो, या फिर ईएसएम हो, किसी भी कैटेगरी का है, सबको 3 साल का दिया गया है। तो ऐसे जहां पे 18 से 23 साल था बच्चों, अब 18 से 26 साल हो गया है। और उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो जैसे एससी है तो 18 से 5 साल उसमें जुड़ेगा, 26, 5, 31 और 29 हो गया ओबीसी का। तो हम ये देखें तो 18 से जिसमें एज जो क्वालिफिकेशन होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो 10th स्टैंडर्ड ही मांगता है, तो 10th स्टैंडर्ड पे 31 साल की उम्र बहुत बड़ी बात होती है और इसका मतलब एक बहुत बड़ा कैप, बहुत बड़े बच्चों को अवसर मिल रहा है। तो अवसर आपको मिला है, इसे आप एकदम हाथ से जाने मत दो। दूसरी बात मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आप चाहे जीडी की तैयारी करो, आप चाहे सीएचएसएल की तैयारी करो, आप चाहे सीजीएल के प्रीलिम्स की तैयारी करो, और पैटर्न ऐसा हो गया कि सीजीएल का प्रीलिम्स और सब कुछ अब लमसम एक जैसा हो गया है। इवन एसएससी आईएमडी का अगर आप पहले पार्ट की बात करो तो वो भी
सब कुछ एक ही तैयारी में, सिंगल तैयारी में आपका ये सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। हाँ, अगर आप किसी बड़े बैच की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप केवल एसएससी जीडी के लिए फोकस्ड हो तो आप इसको केवल आराम से, वो चार पैटर्न है मैथ्स रीजनिंग और आपका जीएस और आपका, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंग्लिश है कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि ये जोनल होता है, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है, इस कारण से क्या है इसमें आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी भाषा चूज कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश भाषी क्षेत्र से हो तो इंग्लिश चूज कर सकते हो, या हिंदी भाषी से हो तो हिंदी चूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि पैटर्न में जो इन्होंने चेंज दिया है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, छोटी सी वीडियो में आपको मैक्सिमम जानकारी दे दूंगा, जो शायद आपको अलग मिलने बहुत ज्यादा टाइम जाएगा उसमें। इस चीज को मैं आपको दिखा देता हूं कि चेंज क्या है पैटर्न में, एक बार चेंज आप देख लो। पहले क्या होता था, पहले 25-25 क्वेश्चन होता था, टोटल 2 घंटे का होता था। अब इन्होंने क्या कर दिया है, 1 घंटे का पेपर कर दिया, 100 क्वेश्चन 2 घंटे का होता था। अब इन्होंने क्या, 90 मिनट, 2 घंटे का नहीं, 90 मिनट का होता था, 1.5 घंटे का होता था। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि 5-5 क्वेश्चन सभी से हटा दिए हैं, और ये क्या कर दिया है, 60 मिनट का केवल कर दिया है। जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का हो गया है, और निगेटिव कितना हो गया है, 0.5 का हो गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें एक चीज अच्छा होगा कि आपके पास जब क्वेश्चन कम हो जाते हैं तो जब भी बच्चों पेपर में क्वेश्चन अगर कम हो जाएगा तो पेपर का स्तर बहुत टफ नहीं बनता है, पेपर का स्तर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि एग्जामिनर कॉमन कॉमन क्वेश्चन को रखने का प्रयास करता है। क्योंकि सपोज करो कि अगर एक सेक्शन से, मान के चलो मैथ से 20 क्वेश्चन पूछना है, तो मैथ्स में 20 चैप्टर, और 20 चैप्टर में अब वो अगर इक्वली डिवाइड करेगा, हालांकि इसमें क्या होता है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट देखोगे, अलजेब्रा का पार्ट देखोगे, इन सबके पार्ट थोड़ा ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अगर इनसे 2-2 क्वेश्चन भी रख लिया तो फिर अरिथमेटिक का रूल एकदम से खत्म हो जाएगा। और अगर अरिथमेटिक भी बैलेंस पेपर बनाएगा तो एक ही एक क्वेश्चन उठाएगा, और वो एक ही क्वेश्चन अगर उठाएगा तो वो बहुत बैलेंस और बहुत अच्छा पेपर बहुत इजी लेवल का बनाएगा। तो इससे ये समझ में आ गया है कि पेपर का स्तर थोड़ा सा आसान होने वाला है, जहां पे पहले 25 क्वेश्चन था वहां पे अब केवल 20 क्वेश्चन हो गया। आपको 1 घंटे में केवल 80 क्वेश्चन करना है, जिसमें टाइम टेकिंग केवल मैथ्स और रीजनिंग होगा। तो उस 80 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 20-20 मिनट अगर आप उसको अलॉट कर देते हो मैथ्स और रीजनिंग को, मतलब 40 मिनट, और बाकी 20 मिनट में आप हिंदी और जीएस को आराम से कर सकते हो। तो टाइम भी आप यहां पे बहुत अच्छा कर सकते हो। बाकी सारी चीजें वही है। अगर हम फिजिकल की बात करें, फिजिकल में कोई बदलाव नहीं है। जो नए बच्चे हैं वो ये जान लें कि जो पुरुष होते हैं उनको 5 किलोमीटर की दौड़ करनी होती है, बच्चों 24 मिनट में करना होता है, और जो महिला होती है उनको 1.6 किलोमीटर का करना होता है, उन्हें 8.5 मिनट में करना होता है। इन्हें 24 मिनट में, इन्हें 8.5 मिनट में, इनको 5 किलोमीटर, इनको 1.6 किलोमीटर करना होता है। उसके बाद ये रेस की बात कर रहा है, और ये क्या कर रहा है कि जो लद्दाख रीजन वाले हैं, बाकी लद्दाख को छोड़कर ये है, और क्या लद्दाख रीजन वाले हैं तो उनको पुरुष वाले में क्या होता है, 1.6 किलोमीटर केवल 6.5 मिनट में करना होता है, और महिलाओं को केवल 800 मीटर करना होता है 4 मिनट में। ये क्योंकि टेरन ऐसा होता है, वहां का रीजन ऐसा होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, इस कारण से ऐसा रिलैक्सेशन देते हैं लद्दाख, और केवल लद्दाख रीजन वालों को देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते हैं। उसके बाद अगर हम हाइट की बात करें तो मेल 170 सेंटीमीटर, फीमेल 157 सेंटीमीटर है। फिर अगर हम यहां पर रिलैक्सेशन जैसा है मैं आपको आगे भी बता दूंगा, सब में एज इट इज आप रिलैक्सेशन वाला देख लीजिएगा। चेस्ट जो है वो अनएक्सपेंडेड 80 होना चाहिए, और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। रिलैक्सेशन बाकी ऐसा ही है, वो आप आगे चल के देख लेना, जैसे 76 ही है शेड्यूल टाइप्स के लिए। उसके बाद वेट देखा जाए तो वेट जो होना चाहिए वो प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड वेट का मेजर करते हैं, और ये बॉडी मास इंडेक्स पे निकालते हैं, और वैसा होना चाहिए। वो एक स्केल होता है, एक रेंज होता है, उसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अगर आपकी बॉडी फिट है और ऐसे भी आप फिजिकल दौड़ोगे, रेस करना चाहोगे, तो अपने आप आपका बीएमआई अपने आप आपके उस पर आ जाएगा। तो यहां पर चिंता आज नहीं करनी, आप भी आपको केवल रिटन एग्जाम की चिंता करनी है। मेडिकल बाकी सारी चीजें वही है जैसा अभी तक होता रहता था, ठीक है। एक चीज आप ध्यान देना कि यहाँ पे क्योंकि रीजनल होता है तो डोमिसाइल सबको करना होगा, तो जो सर्टिफिकेट जरूरी है वो मैं आपको कल डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आपकी क्या क्या डोमिसाइल चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या आपको फॉर्म, जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारी आपको जानकारी दे दी जाएगी। दूसरी बात बच्चों की, अब जब आपके पास समय केवल 2 महीने 60 दिन है तो तैयारी आप एकदम शुरू कर दो। और टीम परीक्षा प्लस पहले ही निःशुल्क बैच की घोषणा कर दी थी, मैं एक बार दोबारा से आपको बोल रहा हूँ कि पूरा फ्री बैच इसमें एसएससी जीडी का टीम परीक्षा प्लस लॉन्च कर रही है। आपको कहीं भी कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। एक एक वीडियो बहुत डिटेल में, वो चाहे मैथ्स का हो, वो चाहे रीजनिंग का हो, वो चाहे जीएस का हो, और वो चाहे आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पोर्शन की वीडियो आपको
परीक्षा प्लस आप केवल ऐप इंस्टॉल कर लोगे, आप अपने परचेजर में देखोगे तो एसएससी जीडी का बैच आपको लगा मिलेगा। कोई भी बच्चा, जितने बच्चे ऐप पे रजिस्टर हैं, उन सब के अकाउंट में ऑलरेडी एसएससी जीडी के बैच को यहां पे जोड़ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बच्चों, हम आपके लिए जो एसएससी जीडी की प्रैक्टिस है वो आपको यूट्यूब पे हम निःशुल्क करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आपको पीडीएफ नोट्स हो, वो चाहे आपका वीडियो क्लासेस हो, वो चाहे आपका प्रैक्टिस हो, वो चाहे आपका टेस्ट हो, सब कुछ एसएससी जीडी में टीम परीक्षा प्लस इस बार बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि एसएससी जीडी हम पहली बार करा रहे हैं और एक बार मैं आपको बता दूं कि इस बार हम लोग सबसे बेहतर करने वाले हैं, तो आप परीक्षा प्लस से जुड़ के ये तैयारी कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।